नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। पेपर खरीदने वाले ग्राहक ढूंढता था 31 साल का कोचिंग सेंटर संचालक, ऐसे पक्की होती थी डील। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचने वाले गिरोह में 31 वर्ष संजीव कुमार दलाल का काम करता था। उसने हमीरपुर शहर में अपना टाइपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर भी चला रखा था। इस दौरान क्लर्क की भर्ती तैयारी करने वाले युवा जब उसके कोचिंग सेंटर में आते थे तो वो उनसे प्रश्न पत्र के बदले पैसों की डील करता था। डील पक्की होने के बाद वह कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के घर ले जाता था। ऊना कोर्ट के आदेश पर पंजाब के दो युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। ऊना जिले के गगरेट कस्बे में एक युवक की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मौत को हत्या का मामला बताते हुए पिता ने न्यायालय के माध्यम से गगरेट पुलिस थाना में दो युवकों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करवाया है। युवक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत 15 जून 2022 को हुई थी। युवक का पिता इस मामले में न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगाता रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट व RFSLA रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। इसके बाद पीड़ित पिता न्यायालय के शरण में गया और अब न्यायालय के आदेश पर गगरेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। व्हाइट क्रिसमस की आस में उमड़े सैलानी, होटलों के 90% तक कमरे बुक, कारोबारियों के खिले चेहरे। क्रिसमस के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ से कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। क्रिसमस से एक दिन पूर्व राजधानी की सड़कों पर रौनक रही। ऐतिहासिक रिज मैदान पर देर रात तक भीड़ जुटी रही। वहीं शिमला, मनाली, कसौली, धर्मशाला और डलहौजी में होटलों के 80-90% कमरे बुक हो चुके हैं। कारोबारियों को नए साल के जश्न तक 100% कमरे बुक रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इससे व्हाइट क्रिसमस की भी आस जग गई है। क्रिसमस पर होटलों में डीजे पार्टी, गाला नाइट, फूड फेस्टिवल के आयोजन हो रहे हैं। पाउटा साहिब में दो महिलाओं ने दुकान से उड़ाई लाखों की ज्वेलरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सिरमौर जिले के पाउटा साहिब उपमंडल के मुख्य बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान से दो महिलाओं ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार में एक ज्वेलर की दुकान में दो महिलाएं ज्वेलरी लेने के बहाने पहुंची थी तथा दुकान में मौजूद कर्मचारियों को ज्वेलरी दिखाने को कहा। इस दौरान महिलाओं ने एक पेंडल अंगूठी को वजन करने को कहा। जैसे ही कर्मचारी ने वजन करना शुरू किया तभी एक महिला ने ज्वेलरी के डिब्बे में से कुछ गहने निकालकर दूसरी महिला को दे दिया और एक पेंडल खरीद कर चली गई।